सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हर सुबह हमारे पास दो चुनाव होते हैं, पहला अपने सपनों के साथ सोते रहें, दूसरा उठें और सपनों के पीछे भागें। अब चुनाव आपको करना है। आपका दिन शुभ हो। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला ना करें। भगवान ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो दे कर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहें। आज का पंचांग 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि, रात्रि 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 7:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:39 से 9:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आज आप बुजुर्गों को नजरअंदाज ना करें। समझे कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए सब कुछ है। तर्क या मतभेद आपके रिश्ते को हानि आज पहुंचा सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। आप जीवन को सहजता से लेंगे और अनावश्यक मामलों से दूर रहेंगे। आपके पास कम समय है, इसीलिए उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करे तो अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक मामले अभी आपके दिमाग में भी है, आप कुछ जवाबों को ढूंढ रहे हैं और अपने सपने या अवचेतना को खोज रहे हैं। आपके लिए ग्रह गोचर अनुकूल है और आपके लिए नए योजनाओं और प्रोजेक्ट के लिए अच्छे समय का संकेत है। इस समय काम करने के लिए तैयार रहें और अपनी आगामी योजनाओं को ध्यान पूर्वक तैयार करें। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी अच्छा हो सकता है, खासकर अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। ध्यान दें कि प्रोजेक्ट की संभावना और उसकी निवेश की समीक्षा करें ताकि आप यह सुनिश्चित कर सके कि आपका निवेश अच्छे फल प्रदान करे। इस स्थिति में सावधानी से निपटने की जरूरत है। डर का सामना करना आवश्यक है क्योंकि अक्सर आपके सबसे बड़े सफलताओं के पीछे डर ही होता है। अपने डर को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह विषय उनके साथ विशेष रूप से विश्वसनीय और सावधानी पूर्वक चर्चा किया जाता। पैसों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सही दिशा में कदम उठाएं। अपने वित्तीय प्लान को पुनः समीक्षा करें और आवश्यकता के अनुसार कदम उठाएं। मित्रों के साथ विवादों को समाधान करने में धैर्य रखें। संवाद को खुले दिल से करें और उन्हें अपने दृष्टिकोण को समझने का समय दें। समाधान के लिए समय लग सकता है, लेकिन सही रास्ता चुनें और समझौते के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। सावधानियां, अपने महत्वपूर्ण कागजातों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सावधानी बरतें। आपके कामों और कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर संभालें ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नुकसान से बचा जा सके। आपके सामग्री कार्यों और प्रोडक्ट्स के लिए तैयार रहें, लेकिन इसके साथ ही अपने सामाजिक जीवन को भी संतुलित रखें। आपके रिश्ते और नजदीकी लोगों के साथ संबंधों को समर्थन प्रदान करते हुए आप अपने कामों में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने आने वाले समय में आपको रोमांटिक पल या यौन सुख प्राप्त होंगे। मन से हर तरह के भय को बाहर निकाल दें। धन खर्च करते समय सावधान रहें क्योंकि घाटा हो सकता है। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएं। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं क्योंकि शब्दों से ज्यादा आपका काम बोलता है। अपनी नजर मंजिल पर जरूर रखें। ध्यान रखें कि कोई आपका ध्यान न भटकाए। जीवन साथी को अपना कुछ जरूरी बात बताएं। प्यार में नए नए प्रयोग करना ना भूलें। किसी के साथ नजदीकियां भी बढ़ सकती है और आप इस खूबसूरत रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित भी हैं। बात करते हैं करियर की।
आप उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। दीर्घकालीन निवेश भविष्य में आप लाभ पा सकते हैं। विनाश का डर व भय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता और अपनी मेहनत का फल जल्द ही आपको मिल सकता है। अपने बच्चों व परिवार के लिए समय निकालें और उनके साथ समय बिताएं। आज आप अपना ध्यान शोध अध्ययन एक नई वेबसाइट की तरह लग सकता है। अच्छा समय आपको बुला रहा है, बस खुद पर विश्वास रखें, आगे बढ़ें और अपने प्रियजनों के साथ रहें। अपनी करियर को बढ़ाने के बारे में जरूर सोचें। बात करते हैं सेहत की। अपने शारीरिक अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। थकान महसूस कर सकते हैं और हो सके तो नकारात्मक विचारों से आप दूर ही रहें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।